हम इसलिए नहीं, एक्सरसाइज 11 में क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, 1 to 12 हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन। अब एक ऐसा प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो पॉइंट, दो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जैसे ये कोई प्लेन है, तो एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इन्फाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर एक प्लेन है और वो दो प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो वैसा एक यूनिक प्लेन होगा, नहीं होगा। ये सेम हमने देखा था किसमें, एग्जाम्पल नंबर 27 में, सेम वही है एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक है। तो एक प्लेन है, इसका रफ डायग्राम कैसे बनेगा, एक प्लेन है वो दो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये पी वन प्लेन है और ये एक पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 3, 2 इससे पास हो रहा है, ठीक है। इस प्लेन की हमें इक्वेशन चाहिए। ये पी टू प्लेन है और ये पी थ्री प्लेन है। अब पी टू प्लेन की इक्वेशन क्या है, x + 2y + z = 5, यही है ना, 3z है ना, 3z। और पी थ्री प्लेन 3x + 3y + z = 0, 3x + 3y + z = 0। सिंस प्लेन पी वन इज पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू पॉइंट ए -1, 3, 2, सो इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय। अब एक प्लेन, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है। या तो वैसे वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, ए इंटू में x - x1 + b - y - y1 + c - z - z1, जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोस, गिवन बाई ए। x - x1 कितना है यहाँ पे, -1, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में बी, y - 3 आ जाएगा, प्लस में सी, z - 2 आ जाएगा, = 0। तो ये पी वन की हो गई इक्वेशन, ए x + 1 प्लस में बी, y - 3 प्लस में सी, z - 2 = 0। अब ये जो प्लेन है वो पी टू और पी थ्री के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इनके जो नॉर्मल होंगे वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी के, वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, n1 = ai + bj + c k। अब अपना टास्क क्या है,
ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। अगर ए बी सी की वैल्यू हम पता चल जाएगी तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो सिंस नाउ पी टू और यहाँ पे पी थ्री लिख लेंगे। पी टू कितना है, एक्स प्लस टू वाई प्लस में थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव, और ये क्या है, थ्री एक्स प्लस में थ्री वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू जीरो। अब या तो ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू स्मॉल डी की फॉर्म होगी, या फिर ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कैपिटल डी की फॉर्म होगी। तो अगर ये कैपिटल डी की फॉर्म है, ठीक है, सेकेंड वाली, तो यहाँ पे वन टू थ्री क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे नहीं होंगे, तो उसके लिए चेक क्या करेंगे, इनका ये जो मैग्नीट्यूड है वो वन आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता तो ये नॉर्मल वेक्टर के ही डायरेक्शन रेशियोज है। तो देखो सिंस ये एग्जाम ही नहीं करना है, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस में थ्री का स्क्वायर, वन प्लस फोर प्लस नाइन ये फोर्टीन, और ये क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो नाइन प्लस वन इजक्वल टू अंडर रूट नाइनटीन। सिंस बोथ आर नॉट इक्वल टू वन, इसलिए बोथ आर नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो एन टू वैक्टर कितना आ जाएगा अपने पास में, आई कैप प्लस में टू जे कैप प्लस में थ्री के कैप, एंड एन थ्री वैक्टर कितना आ जाएगा अपने पास में, थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस में के कैप। नाउ सिंस प्लेन पी वन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन पी टू, इट इम्प्लाइज एन वन वैक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एन टू वैक्टर। अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर तो एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। इट इम्प्लाइज एन वन वैक्टर कितना है, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, इंटू में एन टू वैक्टर कितना है, आई कैप प्लस में टू जे कैप प्लस में थ्री के कैप इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज ए प्लस में टू बी प्लस में थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, नाउ सिंस पी वन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन पी थ्री, इसलिए एन वन वैक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एन थ्री वैक्टर। इट इम्प्लाइज एन वन वैक्टर डॉट एन थ्री वैक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एन वन वैक्टर कितना, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, इंटू में एन थ्री कितना है, थ्री आई कैप प्लस में थ्री जे कैप प्लस में के कैप इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज थ्री ए प्लस में थ्री बी प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेम सिचुएशन वहाँ पे हुई थी कि दो अपने पास इक्वेशन बनी थी, तीन वेरिएबल थे,
तो हमने दोनों इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व किया था कि नहीं किया था? ठीक है, तो इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रफ कर रहा हूँ मैं। अब दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे हम, ए प्लस में 2b प्लस में 3c इज इक्वल टू 0, और ये 3a प्लस में 3b प्लस में c इज इक्वल टू 0। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाइज 3a प्लस में 6b प्लस में 9c इज इक्वल टू 0, और 3a प्लस में 3b प्लस में c इज इक्वल टू 0। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे कैंसिल हो गया, तो ये 6 माइनस 3, 3b प्लस में 9 माइनस 1 एट c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 8/3 c आ गई। ठीक है, और ये b की वैल्यू रख देंगे, रखें किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस 2 माइनस का 8/3 सी प्लस में 3c इज इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16/3 सी, एल आर एच एस में ले जाएंगे इसको, माइनस में 3c, तो इट इम्प्लाइज 3 कॉमन आ जाएगा, 16c माइनस में 9c। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7c/3। अब ये वैल्यूज़ हम कहाँ रखेंगे? जो प्लेन P1 की इक्वेशन है उसमें ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, तो सिंस P1 कितना अपने पास? ए एक्स मा एक्स प्लस 1 प्लस में बी वाई माइनस 3 प्लस में सी जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही ना? अब इसको सोल्व करते हैं। इट इम्प्लाइज ए की वैल्यू 7c अपॉन में 3 एक्स प्लस 1 माइनस में 8/3 सी वाई माइनस 3 प्लस में सी जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या? c/3 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x प्लस में 7 माइनस में 8y माइनस माइनस प्लस का 24। ठीक है, फिर प्लस c भी कॉमन आ गया, और 3 को हमने कॉमन ले लिया डिवाइड से, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड से और जेड माइनस 2 से, तो 3z माइनस में 6 इजक्ल टू 0। ये 0 में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x माइनस में 8y प्लस में 3z, और ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1, 1 प्लस 24 25 इजक्ल टू 0, और ये क्या अपना रिक्वायर्ड आंसर, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन? ये तो था मेथड फर्स्ट, अब मेथड सेकंड से इसको सॉल्व करेंगे हम। 2 मिनट में स्कोर कर देते हैं। मेथड सेकंड, यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी लिख लेंगे, यहाँ पे सी लिख लेंगे।
और ये ए प्लस टू बी प्लस सी, तो मिडल से स्टार्ट करेंगे, टू कोमा क्या आएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है, तो टू बाई थ्री आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू बाई थ्री, फिर थ्री वन और फिर वन थ्री और फिर वापस से टू बाई थ्री पे बंद हो जाएगा, ठीक है, क्लोज। तो यहाँ से ए अपॉन में कितना आ जाएगा, टू माइनस नाइन, माइनस का सेवन आ जाएगा, इसको टू बी अपॉन में कितना आ जाएगा, नाइन माइनस वन एट आ जाएगा, इसको टू सी अपॉन में कितना आ जाएगा, थ्री माइनस सिक्स, माइनस का थ्री आएगा ना, माइनस का थ्री तो आएगा ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, और लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ए इक्वल टू माइनस लैम्डा, माइनस सेवन लैम्डा, बी इक्वल टू एट लैम्डा एंड सी इक्वल टू माइनस का थ्री लैम्डा। सिंस अपने पास में पी वन कितना है, ए एक्स प्लस वन प्लस में बी वाई माइनस थ्री प्लस में सी जेड माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, बस यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रखनी है हमें, माइनस सेवन लेमडा एक्स प्लस वन प्लस में एट लेमडा वाई माइनस थ्री प्लस में माइनस थ्री लेमडा जेड माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो लेमडा कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का सेवन एक्स, माइनस का सेवन और लेमडा पूरी कॉमन, प्लस में एट वाई माइनस का ट्वेंटी फोर, माइनस में थ्री जेड और माइनस माइनस प्लस का सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो लेमडा जीरो में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, सेवन एक्स माइनस में एट वाई प्लस में थ्री जेड प्लस में ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो, और ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन भी आया सुनने, ठीक है।